अस्सलाम वालेकुम नाजीन, आप देख रहे हैं कि एनएन न्यूज़ लाइव न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं मरियम शौकत। अहम खबर आपसे शेयर करें। थाना कंझार के इलाका कोर्ट मोजीदीन में दो ग्रुपों में शदीद फायरिंग के वाके पर पुलिस का बरवक्त और भरपूर एक्शन। तीन मरकजी मुलजिमान गिरफ्तार, भारी मकदार में असला व एमुनेशन बरामद। पुलिस की मदयत में दोनों ग्रुपों के खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की जेरे क़यादत पुलिस का चोरों और डाकों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ गुजरात सैयद गजनफर अली शाह की जेरे क़यादत गुजरात पुलिस का जिला भर में चोरों, डाकुओं और जराय पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। टीम ने जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए मोटरसाइकिल चोरी और डिकेटी की वारदातों में मुलविस तीन रुकनी जैनी गैंग को गिरफ्तार करके माल मसरूका बरामद कर लिया है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज़ शरीफ साहिब ने मलका बरतानिया अलिज़ाबेथ दोइम की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद बरतानवी सेक्रेटरी हारजा की जानिब से मुअज़्ज़ज़ गैर मुल्की मेहमानों के एजाज में दिए गए इस्तकबालिया में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी राणा शाहिद परवेज के अहकाम पर विहाड़ी पुलिस की मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दानिश उर्फ दानी मोटरसाइकिल चोर गैंग के तीन मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की डीपीओ सियालकोट से अहम मुलाकात। हल्के के मुतासरीन की मेरिट आइन और कानून के मुताबिक दादरसी की हदायत। इस मौका पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट में मजहबी मुनाफरत, शरपसंदी और दहशतगर्दी की सोच को नाकाम बनाने पर इंतजामिया पुलिस और तमाम मुक्तबा फिक्र के उलमाए किराम को खराज तहसीन पेश किया। डीपीओ सियालकोट मजहबी इंतहा पसंदी के हामिल अनासिर के किला कमा के लिए पुरअज़म है। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर की हदायत पर बदमाशियों और डाला कल्चर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुस्तफा टाउन पुलिस की कार्रवाई, बैगो डाले में सरेआम असला लेकर घूमने वाले दो मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में आरिफ और अदनान शामिल हैं। कलाशिनकोफ राइफल, एक पिस्टल, छह मैगजीन और सैकड़ों गोलियां वगैरह भी बरामद कर ली गई है। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नईम अजीज सिद्धू ने शहरियों के जानो माल के तहफ्फुज़ के लिए जिला के थानों में महाफिज स्क्वाड फोर्स कायम कर दी। 81 मोटरसाइकिल पर पुलिस के जवान गली मोहल्लों में गश्त करेंगे। मॉनिटरिंग के लिए थानों की सतह पर कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। NH66 के मुशावरती इजलास से साबका वफाकी वजीर मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मोहतरमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तंजीमी अमूर पर साथियों से तबादला ख्याल कर रही हैं।
जिले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियालकोट चौधरी तारिक सुभानी साबिक एमपीए हसनवाल शरीफ में ऐसे हकीम उल कादिर के वालिद मोहतरम की फातिहा खानी। डीपीओ सियालकोट मोहम्मद फैसल कामरान ने डीपीओ ऑफिस खुली कचहरी में 66 शहरियों की शिकायत सुनकर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी कर दिए और मार्क करदा दरख्वास्तों पर दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर कानूनी कार्रवाई करके रिपोर्ट भिजवाने की हदायत जारी कर। सैयदपुर नादरा ऑफिस का शानदार इफ्तिताही तकरीब मेहमान हसूसी एमएनए चौधरी अरमगाल सुभानी साहिब मौका पर एमपीए राना आरिफ इकबाल ने किया और जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें केएनएन न्यूज़ लाइव। अल्लाह हाफिज़।